सो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अक्षय दीक्षित। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त बज रहे हैं 7:00 इन द मॉर्निंग और आज है 3 तारीख। और मेरी ट्रिप जो स्टार्ट हुई है वो हुई है खजुराहो के लिए। हम लोग जा रहे हैं खजुराहो। दो दिन का मेरा वहाँ का विजिट, हम लोग वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, यहाँ मैं जहाँ जाऊँगा आपको हर चीज़ की नॉलेज दूंगा। और फिलहाल इस वक्त मैं निकल रहा हूँ लाइट चौराहे से और खजुराहो यहाँ से 178 किलोमीटर्स दिखा रहा है साइन बोर्ड पे। एंड द बेसिक थिंग इज दैट मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो वो लगाना बहुत जरूरी है। ओरछा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। ओरछा का चौराहा जो होता है उसको हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। हम लोग बढ़ रहे हैं नौरानीपुर की तरफ। नौरानीपुर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोड काफी ठीक है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। जो मैं हूँ बरुआ सागर में और बरुआ सागर को क्रॉस कर रहा हूँ मैं। और काफी अच्छी नर्सरीज वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएंगी पूरे बरुआ सागर में। डेवलप नर्सरीज हैं जो आपको पूरे बरुआ सागर में मिलेंगी। ये छतरपुर के लिए किधर से है? छतरपुर इधर के सीधा नीचे से। इस वक्त हम हैं खजुराहो वाली रोड पर, खजुराहो हाईवे पे, और रानीपुर हमने क्रॉस कर लिया है। और रानीपुर क्रॉस करने के बाद आपको काफ़ी हद तक अच्छा हाईवे मिल जाता है। इसको हम कहेंगे ठीक, काफ़ी अच्छा हाईवे है। हाँ, और मास्क मैंने पहन लिया है क्योंकि चेकिंग हो रही थी। पुलिस वालों ने बोला है कि सर मास्क आप पहन के रखें, तो ठीक है, प्रिकॉशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग क्रॉस करते हैं। सनलाइट इस पर, यानी सूरज की रोशनी जितनी इस पर पड़ती है उसी हिसाब से ये दिखता है। अगर सूरज की रोशनी बंद हो जाएगी, शाम हो जाएगी या रात हो जाएगी, तो रात को ये नहीं डूबता है। खजुराहो बचा है 92 किलोमीटर्स। Yep.
रानीपुर से निकलने के बाद ना जो हाईवे मिला है, क्या शानदार हाईवे मिला है, बहुत ही शानदार हाईवे मिला है। अब पहले वाला उस यानी झांसी से रानीपुर तक का भी काम चल रहा है, हो जाएगा और जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे लूडा के कुरियर वाले जितने हैं वो तो आते ही हैं मौरानी पुल तक बांटने के, वैसे भी बता रहे हैं कि सर रोड खराब है जिसमें से हमारा मौरानी पुल जो आता है अनिल आता है, अनिल तो बता ही रहा था कि रोड बहुत खराब है मौरानी पुल तक, और उसके बाद अच्छा बन गया, लिटरली बहुत अच्छा बन गया है। आप खजुराहो जो है झांसी से ट्रेन से भी जा सकते हैं, काफी ट्रेन चाहिए जो डायरेक्ट खजुराहो जाती है। उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं तो बाय कार बाइक वो मैंने आपको बताई है, 86 किलोमीटर बचा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई है तो फिर आप बस से भी जा सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि शायद नहीं चलती है ये झांसी से। आप बस अगर जाते हैं तो पहले आपको छतरपुर जाना होगा, छतरपुर से अप्रॉक्स 32 किलोमीटर पड़ता है खजुराहो, तो आप वहाँ से कंटिन्यूस में दूसरी बस में कनेक्टेड होके खजुराहो तक पहुँच सकते हैं। पर अपना पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बाइक से जा रहे हैं तो भी पहुँच जाएंगे और कार से जा रहे हैं तो भी पहुँच जाएंगे। सिर्फ आपको मौरानीपुर तक का थोड़ी सी दिक्कत है, जब तक ये हाईवे नहीं बन रहा है तब तक की थोड़ी सी हेडेक है और कुछ नहीं है फिलहाल। अभी तो टोल भी चालू नहीं है और टोल जैसे ही हाईवे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली टोल चालू हो जाएगा। अभी तक मुझे एक ही टोल का स्ट्रक्चर मिला है झांसी से यहाँ तक आते आते, होपफुली दो होने चाहिए, डिस्टेंस काफी बड़ा है। यस, दो ही टोल है, ये सामने आ गया है, ये भी स्ट्रक्चर ही है, नहीं ये टोल नहीं है, ये कमर्शियल टोल है, कुछ भी है, ये कमर्शियल टोल नहीं है। नॉर्मल व्हीकल्स के लिए नहीं है ये, बहुत ज़्यादा कमर्शियल है और फिलहाल चालू है, प्रोग्रेस है ये तो चालू है। अगर इसी तरह से मेरे को ना झांसी से यहाँ तक की रोड मिलती ना तो अभी तक तो मैं कभी पहुँच जाता, अप्रोक्स 4 hours हो रहे हैं, 4 घंटे हो चुके हैं और मैं अभी तक छतरपुर नहीं पहुंचा था। छतरपुर अभी भी 38 किलोमीटर बता रहा है, चलो फिलहाल पहुंचना तो है सरकार में एक और टोल है, 500 meters पे और मिल गया मुझे, वो वर्किंग में है।
अपना किसी भी फोर व्हीलर व्हीकल से या ऑफर बैंक से, तो फिलहाल टोल नहीं देना होगा कमर्शियल टोल छोड़ के, पर्सनल व्हीकल पे आपको कोई भी टोल नहीं देना। इस वक्त हम लोग हैं छतरपुर के अंदर, पीताम्बरा मंदिर यहाँ बना हुआ है। आज सैटरडे है और खजुराहो से पहले हमारा स्टे हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो पीताम्बरा मंदिर। सो गाइस, हम लोग आए हुए हैं छतरपुर में पीताम्बरा मंदिर में, और सैटरडे है तो पीताम्बरा मंदिर आज झांसी में होते तो द्वितीया जाते पर नहीं जा पाए, तो आज यहाँ पे आए हुए और आज का स्टे यही है। फिर उसके बाद कल जाया जाएगा खजुराहो, जो कि यहाँ से 32 किलोमीटर है इन द मॉर्निंग। ये है भोलेनाथ का मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, माँ पीताम्बरा मंदिर के अंदर छतरपुर में। एंड ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारे हैं हनुमान जी का मंदिर, एक दो तीन चार, और ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है हमारे राइट में। एक मंजिल ये है, फिर उसके बाद अंदर आते हैं। बहुत